अंडों की गजाइत, प्रोटीन, कोलेस्ट्रोल और बहुत कुछ। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अगर आपका ये पहला विज़िट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैनल इन फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस में आपकी बहुत मदद करने वाला है। इस सेशन को ठीक से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना फ़ायदेमंद रहेगा। लाइक और शेयर करके दूसरों तक इल्म पहुंचाने का जरिया बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम मुख्तलिफ ग़ज़ाओं के न्यूट्रिशन वैल्यू को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज की ये वीडियो इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। अंडे प्रोटीन और ग़ज़ाई ताकत का घर है। इन्हें बहुत से पकवानों में शामिल किया जा सकता है और मुतअद्दद तरीक़ों से तैयार किया जा सकता है। अंडों से भरपूर एनर्जी हासिल करने का एक तरीका इन्हें उबालना है। सख्त उबले हुए अंडे सलाद की टॉपिंग बनाते हैं। नमक और काली मिर्च के साथ अकेले भी खाए जा सकते हैं। अंडे ग़ज़ाई अज़ा यानी प्रोटीन और सेहतमंद फैट से लदे हुए होते हैं। 150 ग्राम का उबला हुआ अंडा हमें 73 कैलोरीज फ्राहम करता है और फैट की मकदार 5.3 ग्राम, कोलेस्ट्रोल 212 मिलीग्राम और प्रोटीन 6.3 ग्राम फ्राहम करते हैं। इसके अलावा बेशुमार विटामिन जैसे कि 6% विटामिन ए, 15% विटामिन B2, 9% विटामिन B12 और विटामिन B5 7% पाए जाते हैं। मिनरल्स में फास्फोरस 86 मिलीग्राम यानी 9%, सिलीनियम 15.4 mcg यानी 22%। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम ग़ज़ाई अज़ा जिनमें विटामिन डी, जिंक, कैल्शियम और तमाम बी विटामिन जैसे B2 और B12 का ख़ास तौर पर अच्छा ज़रिया है। अंडे अमीनो एसिड की मुकम्मल रेंज फ्राहम करते हैं, जिसका मतलब है कि वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अंडों की जर्दी में बहुत से ग़ज़ाई अज़ा मौजूद होते हैं, जबकि अंडे की सफ़ेदी में बुनियादी तौर पर प्रोटीन होता है। बावजूद कैलोरीज़ में कम होने के तकरीबन तमाम ग़ज़ाई अज़ा इस 50 ग्राम के छोटे से कुदरती पैकेट में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो यकीनन आपको पसंद आया होगा।